भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के जिंदगी में खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी है। वो कहते हैं ना, जब देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पवन सिंह के लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ की। भाई, काफ़ी दिन से ये सुर्खियाँ थी कि पवन सिंह और उनकी वाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से अलग चल रहे हैं और इसके संकेत कई बार जब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्योति सिंह ने तस्वीरों के साथ कुछ कैप्शन लिखकर पोस्ट किए तो ऐसा लगा कि मानो अब इनका रिश्ता ख़त्म सा हो चुका है। लेकिन भाई, वो कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी रिश्ते में रहना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे जुदा नहीं कर सकती। तो भाई, इस बार भी ऐसा ही हुआ। पवन सिंह और ज्योति सिंह मिले। ज्योति सिंह पवन सिंह के सेट कैसन हो जाला प्यार, जिसकी शूटिंग लखनऊ में चल रही है, वहां पवन सिंह के साथ मिली, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फिर उन्हीं के साथ वो उन्हीं के होटल में चली गई जहाँ वो ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब तक कैसन हो जाला प्यार की शूटिंग चलेगी, ज्योति सिंह वहीं मौजूद रहेंगी। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों ही पवन सिंह का कमरिया वाले डांस ने जो गर्दा उड़ाया है, जो बवाल मचाया है, उसने लोगों के बीच और भी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। जी हाँ, कि पवन सिंह कब जल्द से जल्द अपना और एल्बम लेकर आने वाले हैं। वैसे पवन सिंह और ज्योति सिंह के फिर से एक हो जाने की खुशी में उनके फैंस फूले नहीं समा रहे होंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पवन से ज्योति नाराज हुई हो और अपने मायके गई हो और फिर पवन ने मनाया ना हो। जी हाँ, ये भले ही कई बार हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वो प्यार आपके पास वापस बार बार रिटर्न होकर ज़रूर आता है। सो भाई, यहाँ पर कुछ भी हो, पवन को ज्योति से सच्चा वाला प्यार तो हो ही गया है। भले ही बाहरी कितनी भी हीरोइनों के साथ उनका नाम जुड़े, लेकिन वो अपने फैंस के नज़र में इमेज तभी बना पाएंगे जब वो अपनी वाइफ के साथ एक छत के नीचे रहेंगे। वैसे पवन और ज्योति के मिलने के खुशी में हम भी कहेंगे, भाई ये दोनों की जोड़ी एक साथ ही अच्छी लगती है। ये दोनों एक दूसरे को एक साथ ही बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई, भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।